यूपी के रामपुर में जयपर्दा पहुंची और संभल के सपा नेता फिरोज खान को खरी खोटी सुनाई। कहा किसी और के कहने पर चाल चली जा रही है। आजम खान के लोग मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो इसके लिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और इस तरह की साजिश रच रहे हैं। किसी और से फर्जी बयानबाजी तैयार कराकर मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और मुझे रामपुर से भगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले संभल के सपा नेता फिरोज खान ने जयपर्दा पर अभद्र भाषा से गंदी टिप्पणी की थी जिसमें उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकदमे भी दर्ज करा रहे हैं। रामपुर के शाहबाद कोतवाली में भी फिरोज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बधाइयों और रामपुर पे ले आए, और दोनों बड़ी अजीब गरीब चीजें हैं। जयपर्दा जी, तो मैं तो एक दिन बस में जा रहा था तो उनका काफिला जा रहा था, जाम लगा था, तो मैंने बस में से उतर के उनको देखने की कोशिश की और ये भी कि हो सकता है कि जाम खुलवाने के लिए कहीं ठुमका ना लगाते हैं, तो बड़ी अजीब तो सी बात है। और रामपुर में तो रामपुर की शामें बड़ी रंगीन हो जाएंगी अब तो, जब चुनावी मौसम चलेगा तो रामपुर के लोग भी बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, सुलझे में, हालांकि सूझबूझ के हैं क्योंकि रामपुर में माननीय आजम खान साहब ने इस पर काम कराया है, तो वोट तो वो समाजवादी पार्टी को ही देंगे रामपुर के लोग, पूरे लोकसभा के। लेकिन अपने मजे लूटने में वो कसर इस वक्त छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर उन्हें एक दफ़े मौका मिला है तो वो यही कहेंगे कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल और ठुमके देख लो। तो शामें तो वहाँ की खूब रंगीन होंगी। मुझे ये डर है कि मेरे क्षेत्र के लोग भी कहीं शामें अपनी खूबसूरत करने को वहाँ चले गए, तो मुझे अपने चुनाव क्षेत्र की संपल की बड़ी इस मामले में देख रेख करनी पड़ेगी। जीतेंगे तो यहाँ भी और जीतेंगे हम रामपुर में भी और जीतेंगे बधाइयों में भी। वो पता नहीं कहाँ से कौन सी, अभी आप बता रहे थे आ गई हैं मैडम, तो बताइए नहीं, मैंने सुना था कि मैं भी गुंडी बन जाऊंगी, तो भाई हमने आपको शरीफी का सर्टिफिकेट तो किसी ने दिया नहीं है, और जो सर्टिफिकेट आपके पास गुंडी के हैं तो सर्टिफिकेट गुंडी का तो तुम ले ही रहोगे। और बीजेपी के लोग तो अक्सर ये मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से लोग ऐसे हैं, महिलाएं तो ऐसी हैं, अल्लाह तो बात होगा, मैं उनके ऊपर कोई रोक नहीं, क्योंकि भैया चुनाव चल रहा है, मैं चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। अब कोई अपने आप को गुंडी बता दे या कोई नाश्ते का काम करे गाने का, वो उनका अपना पेश है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा। मैंने क्लैरिटी भी दिया था, ये जो ये भी एक चाल है, क्योंकि उनके जो लोग खुद मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तो इसलिए उनको केस लग रहा है, और इस तरह का चालाकी करेंगे, इस तरह के बयानबाजी किसी और से फर्जी बनवाएंगे ताकि मुझे भी फंसाना है और मुझे इस रामपुर से भगाने के लिए पूरी प्रयास हो रही है। आजम खान संस्कार नहीं है कि मैं इस तरह के बातें करूँगी।